नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि एक दिन पहले आपको बताया था कि राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसीज़ भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो लो आज ही नोटिफिकेशन आ गया है। आप देख सकते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की तरफ से आज की तारीख में 18 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है सिस्टम असिस्टेंट 2023 भर्ती के लिए। सिस्टम असिस्टेंट के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो एक बार इसकी जो बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट का भी जो नोटिफिकेशन है वो हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है, उसका एक अलग वीडियो में आपको जानकारी पूरी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी जो राजस्थान की भर्तियाँ हैं, इसके अलावा जो केंद्र की भर्तियाँ हैं, उनकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जैसे ही नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ हुआ, वैसे ही आप तक ये वीडियो पहुँच रहा है। और इसकी जानकारी हमने प्रीवियस वीडियोस में भी दे दी थी कि राजस्थान हाईकोर्ट की भर्तियाँ बहुत जल्द आने वाली है, और अन्य भर्तियों की जानकारी भी आपको दे दी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु सिस्टम असिस्टेंट के निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ये ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसमें जो चयनित अभ्यर्थी होंगे, उनके 2 वर्ष की जो अवधि तक 18,500 फिक्स्ड प्रतिमा पारिश्रमिक यानी प्रोबेशन पीरियड जिसे कहते हैं, और उसके पूर्ण करने पर लेवल 8 पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको 26,000 से लेकर 83,500 तक का इसमें आपको जो है सैलरी रहेगी। अब इसके अलावा सारी ऑनलाइन कैसे आपको अप्लाई करना है उसके लिए आपको बता देंगे, जो हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है hcraj.nic.in पर जा कर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो आप देखें, टोटल वैकेंसीज़ हैं 230, और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि टोटल जो जनरल कैटेगरी की है अनरिजर्व 85 है, EWS की 23 है, SC की 36 आप देख सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं ST की 27 है, OBC नॉन क्रिमिलियर की 48 है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 11 आपकी MBC की नॉन क्रिमिलियर की है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की 13 है। तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि कमी या बढ़ोतरी भी की जा सकती है पदों में। इसके अलावा 50% से अधिक या रिक्तियों के प्रोद्भूत होने पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए और भी अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है। अब अभ्यर्थियों की जो सूची यानी चयन करने के लिए जो पद हैं, उनके 50% तक की सीमा तक उपयुक्त जो अभ्यर्थी आरक्षित सूची रिजर्व लिस्ट भी इसमें तैयार की जाएगी वर्गवार। इसके अलावा जो विभिन्न वर्गों के जो आरक्षण के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। इसके बाद में दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो सारी जानकारी दे रखी है, लेकिन हम देखेंगे कि शैक्षिक योग्यता क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें, मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो कैंडिडेट जिसने BE, BTech, BSc कंप्यूटर साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री से किया है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA या ए लेवल कोर्स किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेस का सर्टिफिकेट लिया है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में लिया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन IT और इक्विवेलेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से जिसने भी डिप्लोमा लिया है। तो ये कुल मिलाकर के जो BTech वाले अभ्यर्थी हैं, या जिनके पास कंप्यूटर में कोई भी डिप्लोमा या डिग्री है, PGDCA भी है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एक नोट ये दिया हुआ है कि उपरोक्त जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, उसके अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर में सम्मिलित होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो परिणाम घोषित करने किए जाने से 7 दिवस के भीतर आपको जो है जो आपका योग्यता है, जो शैक्षणिक योग्यता है, उसका प्रूफ वहाँ पे जमा कराना होगा। शारीरिक
उपयोगिता फिजिकल फिटनेस का ये कुछ इसमें प्रावधान किया गया है जो कि कोई खास नहीं है, वो सब क्वालिफाइड ही हैं। एज की आप देख सकते हैं 18 से लेके 40 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज छूट है, बाकी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रिमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग, क्रिमिलेयर, इनके तो 750 हैं, बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलेयर, MBC और EWS के 600 हैं, बाकी SAST दिव्यांगजनों के 450 इसका शुल्क है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी हुई है। अब बात करते हैं परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की। तो दोस्तों, स्कीम और पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, अब रिटन जो टेस्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए होगा आपका कंप्यूटर नॉलेज का जो कि 80 मार्क्स का होगा और 80 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी आपका GK एंड इंग्लिश का होगा जो 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मिनिमम मार्क्स SC ST PH कैंडिडेट को 40 लाने हैं 100 में से, और अदर कैटेगरी को मिनिमम 45 मार्क्स तो लेके आने, 2 घंटे का समय होगा। तो ये आपकी लिखित परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको बता ही दिया पार्ट ए और पार्ट बी में किस तरीके से अलग अलग जो है कैटेगराइज किया गया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, ये इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट शैल बी काउंटेड फॉर द फाइनल प्रोसेसन ऑफ, यानी कि इन रिटन के जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर आगे की आपकी मेरिट बनेगी। सिलेबस की अगर बात करें तो फटाफट सिलेबस आपको बता देते हैं। पार्ट ए में जो कंप्यूटर नॉलेज है उसमें ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह। इसके अलावा डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें नंबर सिस्टम आ गया, आपके कोड वगैरह आ गए, BCD, इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट निकालना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ओवरफ्लो, फ्लोटिंग ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, OS के बारे में सारी जानकारी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं। और इसके बाद में आपका कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, ठीक है, जिसमें आपका डायरेक्टरी नेविगेशन, पाथ सेटिंग, क्रिएटिंग यूजिंग बैच फाइल्स वगैरह, लिनक्स आएगा, और डाटा प्रोसेसिंग, MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग आप कह सकते हैं, MS एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, लैन वैन मैन, इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल वगैरह, और ये सारी जो आपके नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित सारे टॉपिक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, वेब डिज़ाइनिंग, ये सारे टॉपिक लगभग वही टॉपिक है जो कि आपके सूचना सहायक के टॉपिक है, सिलेबस है लगभग वही, कंप्यूटर का पूरा सिलेबस है। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज एंड ये सारे जो पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, यूनियन, फाइल प्रोसेसिंग और उप्स, C++, जावा का बेसिक नॉलेज। तो ये सारा जो लगभग सिलेबस वही है, सूचना सहायक वाला, इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट वाला। अब देखिए दोस्तों, GK की अगर बात करें तो करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ राजस्थान, ठीक है। और इंग्लिश की अगर बात करें, ये सारे राजस्थान के संबंध में है। इंग्लिश में जो टेंस वगैरह आएंगे, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन आ गए आपके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशंस, और इसके अलावा करेक्शन जो आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और डिग्री, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स सफिक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब सेक्शन बी में, ये तो पूरा सेक्शन ए हुआ था रिटन टेस्ट का, उसके बाद में सेक्शन बी जो टाइपराइटिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर 80 मार्क्स का, उसके बारे में बता दें। जो 40% मिनिमम SC ST में और अदर में 45% रिटन टेस्ट में लाएगा, उसको जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, 5 गुना कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है क्वालिफाई किया जाएगा। अब इसमें देखें टाइपिंग टेस्ट में होगा क्या, टाइपिंग टेस्ट में पेपर 1 होगा स्पीड टेस्ट का, दूसरा होगा इफिशेंसी टेस्ट का। इफिशेंसी टेस्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल दोनों पे होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। स्पीड टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों का होगा, 5-5 मिनट का, 25-25 मार्क्स के,
ठीक है, मिनिमम 22.5 जनरल कैटेगरी में, मतलब एससी एसटी और पीएच के अलावा लाने हैं। इसी तरह इफ़िशेंसी टेस्ट भी 20 मिनट का होगा, जिसमें 50 मार्क्स का होगा, मिनिमम 22.5 लाने हैं। ठीक है, इफ़िशेंसी टेस्ट में कौन कौन से फॉन्ट वगैरह होंगे, कृति देव 10 होगा, कैलिबरी इंग्लिश के लिए होगा, और स्पीड वगैरह आप देख ही सकते हैं, 100 की डिप्रेशन पर आवर आपकी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसके अलावा इफ़िशेंसी टेस्ट जो है डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर लिया जाएगा, और फॉर्मूला वगैरह, फॉर्मेटिंग, एक्सेल में जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें इसमें करवाई जाएगी। स्पीड टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो इस फॉर्मूले से किए जाएंगे। इसका जो सेक्शन सी है, इसमें इंटरव्यू भी है 20 मार्क्स का। ठीक है, तो जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट और टाइपराइटिंग टेस्ट में, टाइपिंग में दोनों में जो है क्वालिफाई होंगे, और जो कि रिटन में 40% और एससी एसटी के केस में और अदर के केस में 45% लेके आएंगे। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट को मिला के दोनों को अगर जोड़ दे तो 45% एग्रीगेट अगर दोनों में मिल जाते हैं तो 3 गुना जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद में इंटरव्यू के बाद में जो कैंडिडेट फाइनल जो है मेरिट लिस्ट उसकी तैयार की जाएगी, जो तीनों स्टेज में क्वालिफाई होंगे। टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन रिटन टेस्ट, टाइपराइटिंग टेस्ट और इंटरव्यू, तीनों में मिला के जो मार्क्स मेरिट बनेगी, जो सबसे जो कट ऑफ रहेगी उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को आगे जो है अपॉइंट किया जाएगा। आगे कब से कब तक ये अप्लाई कर सकते हैं आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का समय सीमा क्या है, 4 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक है, और शुल्क जमा कराने का सेम ही दे रखा है, 4 फरवरी तक आप शुल्क जमा करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। अब परीक्षा कब होगी इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पर जो है सभी संभाग जिलों में भी आयोजित किया जा सकती है। वैसे तो जयपुर, जोधपुर में आयोजित की जाने की संभावना, अगर ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो सभी संभागों और ज़िलों में भी करवाई जा सकती है। आगे जो तारीख वगैरह है वो आगे नोटिफिकेशन से बताया जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। कुछ खास इसके अंदर है नहीं, जो मेन चीज़ें थी वो आपके साथ डिस्कस कर दी गई है। वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं, hcraj.nic.in पर जाकर के आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।